कैसे एक शरारती चूहे ने बदल दी थी वॉल्ट डिज्नी की किस्मत। 18 नवंबर 1928 वह पहली तारीख थी जब स्टीम वॉल्ट विले नाम की एक मूवी में मिकी माउस के करेक्टर को पहली बार देखा गया था। वॉल्ट डिज्नी के आज इतना कामयाब होने के पीछे एक चूहे का अहम किरदार है। यह बात 1923 की है जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ मिलकर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को बनाया था और उनका पहला कार्टून कैरेक्टर था ओसवाल्ड द लकी रैबिट। इसके बाद उन्होंने एक कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, घोड़े और गाय के कई कार्टून भी बनाए, लेकिन उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से वह काफी निराश होकर एक दिन अपने स्टूडियो के मेज पर बैठकर कुछ सोच रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बदमाश चूहा कूद कर मेज पर चढ़ गया और अपने दांतों से वॉल्ट के मोजे कुतरने लगा। वह काफी देर तक उस शरारती चूहे को देखते रहे और फिर अचानक वह कुर्सी से उठकर बाहर की ओर भागे और कहने लगे कि मुझे अपना कार्टून कैरेक्टर मिल गया। और इस तरह से उन्होंने उस शरारती चूहे को सबका चहेता मिकी माउस बना दिया। फिर 1928 में पहली बार लोगों ने मिकी माउस के कैरेक्टर को एक फिल्म में देखा और करीब 2 हफ्ते के अंदर ही डिज्नी ने इस फिल्म से $1,000 कमा लिए। मिकी माउस ने अपना पहला शब्द हॉट डॉग बोला था, जिसके साथ ही वह कार्टून की दुनिया का पहला बोलने वाला किरदार बन गया। शुरुआत में मिकी माउस ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे 1935 में कलर्ड बनाया गया। मिकी माउस नाम के इस एक चूहे से वॉल्ट डिज्नी की सफलता की कहानी शुरू हुई, जिसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।